प्लीज प्लीज लाइक लाइक शेयर शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड सब्सक्राइब। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? स्वागत है आप सबका फिर से मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है आकाश जैनी ब्लॉग। और अभी अभी मैं सो के उठा हूँ, बहुत सारा काम था। 8 बज चुके हैं। मैं भी मैं देखता हूँ, रुको, अरे कहाँ से देखूँ, हाँ 8:11 बजे। काम करके कि मैं थक गया हूँ और जिम भी नहीं जा पा रहा। एक वीक से मैं जिम नहीं गया, घर पे ही थोड़ा सा होम वर्कआउट किया था और बॉडी का हालत पूरा खस्ता आ चुका है। ब्लॉग्स भी नहीं आ पा रहे क्योंकि काम कर रहा था मैं। और सबको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि स्टे सेफ और घर पे ही रहिए ज़्यादातर, क्योंकि कोरोना बढ़ने लगा है और फिर से लॉकडाउन कभी भी हो सकता है। तो जहाँ भी आप बाहर जा रहे हो तो मास्क पहन लीजिए, और अगर सैनिटाइज का उपयोग कर रहे हो तो करिए। दो डोज लेने के बाद भी, अगर आपने वैक्सीन 2 डोज भी लिया है फिर भी आप करिए, स्टे सेफ, क्योंकि ज़िंदगी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कोरोना के बहाने से बर्बाद मत कीजिए, थोड़ा सा सेफ्टी बरकरार रखिए, तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाय द वे वेरी गुड मॉर्निंग। चलो अब मैं उठता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। बाबा रे ठंड, विंटर्स में थोड़ा सा अपना टी शर्ट पहन लूँ पहले, कि बहुत जोर से ठंड आ रहे हैं। आपके यहाँ पर ठंड आ चुका? यहाँ पर तो ये थोड़ा सा साइक्लोनिक स्टॉर्म था, क्योंकि मैं ओडिशा में रहता हूँ और यहाँ पर बहुत सारे साइक्लोनिक स्टॉर्म हर महीने आते हैं। हर महीने, जैसे ससुर का घर है उसका, हर महीने आते हैं। और इस बार भी 2-3 दिन पहले ही एक आया था और बारिश हो रहा था। अभी आज में भी थोड़ा सा धूप आएगा तो मैं थोड़ा सा फ्रेशनेस फील करूँगा। और कल रात को मैंने नहीं खाया था, मैं वैसे ही सो गया था, क्योंकि यहाँ पर एक पिंपल्स आया है मेरा, ये देखो इतना बड़ा पिंपल्स, मैं इसे बाल से ऐसे छुपा रहा हूँ तो इसलिए सिर इतना ज़्यादा दर्द कर रहा था कि मैं बोल नहीं सकता, इसलिए मैं सो गया था जल्दी ही। मैं बेसिकली 12 बजे 11 बजे सोता हूँ, और अगर काम रहता है तो 1 2 3 4 हो जाते हैं, लेकिन मैं कल जल्दी ही सो गया था। और फिर उठा था 2 बजे थोड़ा सा, और उसके बाद थोड़ा सा काम किया, थोड़ा ग्राफिक्स का काम था चैनल पे तो उसका काम किया, और फिर से मैं सो गया। और कल रात को 2 बजे मेरे को भूख लगा तो मैंने ये जो जो चिक्की होता है, चिक्की जो बादाम का चिक्की होता है, ये तो 5 रुपये वाला, तो इसको मैंने खाया था दो। और जो बिस्किट था ना, ये टॉप बिस्किट, ये चीज़ वाला, ये बिस्किट बटर वाला बिस्किट जो रहता है, इसको मैंने थोड़ा सा खाया था। और अभी मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रहा है, तो अभी मैं जाके थोड़ा सा फ्रेश हो जाता हूँ। फ्रेश होने के बाद कुछ अच्छा सा हेल्दी सा खाने की कोशिश करता हूँ। के बाद किटलू से मुलाकात हो रहा है मेरा, क्योंकि किटलू प्रेग्नेंट थी और 5-5 बच्चे को फिर से जन्म दे के आई है, इसलिए पूरा झड़ गई है। रे भाई तू, अरे कहाँ गया तेरा वो मसलिक बॉडी किटू? और खाने के लिए आई है, सुबह खाने के लिए ही आती है फिर चली जाती है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्यूट है ये, बहुत ही क्यूट है, बहुत ही क्यूट है ये, बहुत ही क्यूट। डॉग्स बहुत हम्बल होते हैं, वो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। हे कीतू, सुंदरी, ब्यूटीफुल, अबे तो हीरोइन से सुंदर है, बहुत ही क्यूट है। अभी भी देखो ये कैसा मौसम हो रखा है, बारिश बारिश हो रखा है ऊपर, और वहां से थोड़ा सा धूप आ रहा है, लेकिन अगर आज धूप आ जाए तो अच्छा फील होगा, क्योंकि मुझे अच्छा अभी फील नहीं हो रहा। धूप आ जाए तो थोड़ा अच्छा लगेगा, अगर आज धूप आएगा तो मैं थोड़ा सा घर पे ही वर्कआउट करूँगा। ये फूल खिले खिले फूल, और यहाँ पर सारे साग लगे गए हैं। ये कौन से इन सागों का नाम क्या है मेरे को पता नहीं। और वो जो है वो लास्ट वाला, ये है धनिया,
ये रहा धनिया का और ये सब साग है। अभी थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊंगा, फिर थोड़ा सा वर्कआउट करूंगा। माँ अभी घर पे झाड़ू कर रही है। सुबह सुबह माँ का बहुत सारा काम रहता है। मैं तो 8 बजे सो के हूँ लेकिन माँ उठती है 6 बजे। मुझे बहुत भी नींद आ रहा है भाई। ये जो लेजीनेस आया है ना मेरे में इन ठंड में, क्या बात है। तो अभी अभी मैं फ्रेश होके आ चुका हूँ और अभी थोड़ा सा वर्कआउट करूँगा। लेकिन वर्कआउट से पहले मैं थोड़ा सा खा लूँगा कुछ अच्छा सा। पहले मैं टी शर्ट पहन लूँ क्योंकि ये है मेरी न्यू टी शर्ट। कैसा लग रहा है बोलो मुझे। मेरा नहीं है ये, मेरे पापा का टी शर्ट और मुझे पूरा फिट आ रहा है। अभी मैं खाऊंगा, मैं क्या खाऊंगा, मैं खाऊंगा आपको दिखाता हूँ। मैं खाऊंगा चने, ब्लैक चने और मूंग, और ये रहा पीनट बटर और रोटी है। रोटी पीनट बटर लगाकर खा लूँगा थोड़ा सा और फिर थोड़ा सा वर्कआउट करूँगा। अरे ये तो खोला ही नहीं गया है, कल ही आया था। उसका पैकेट अभी भी यहीं पर पड़ा ही रहा। इसी से ही खोलूंगा मैं। जय बजरंग बली। गया अच्छा लगता है। इससे पहले मैंने खाया है योगा वर्क। तो मेरा क्या हुआ ना कल रात, क्योंकि ये छोटू सा पिंपल देख रहे हो आप यहाँ पर, ये मेरे को रात भर सोने नहीं दिया भाई। इतना जोर से मेरा सिर दर्द हो रहा था कि मैं ठीक से सो ही नहीं पाया। 3-4 बार उठा हूँ मैं रात को। फाइनली जो दर्द देता है ना बहुत सा, सुबह मेरे को 4 बजे थोड़ा सा नींद आया और फिर मैं थोड़ा सा सो गया था, इसलिए 8 बजे सोया था। जल्दी सोया था, फिर उठा, फिर उठा, फिर सोया, फिर मैंने कुछ गलत ही फाड़ दिया भाई, अलग अलग जगह से। वहां देखेगी बहुत गाली देगी। मैं कुछ करता हूँ इसका। खिसक रहे हैं हाथ में, क्या करूं। फाइनली मैंने इसे जैसे तैसे करके फाड़ ही दिया। फिर अपना रोटी, चॉकलेट पीनट बटर टोर्टिला बनाएंगे अभी हम इसे। अरे मैं तो कुछ ज्यादा फैलाना नहीं है, बस इसे बीच में ही लगा दूंगा ऐसे और फिर खाऊंगा। देखिए ऐसे बीच में ही लगा दूंगा और फिर खा जाऊंगा इसे ऐसे ऐसे करके। बन गया अपना। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power.
power as long as you're dreaming. You're never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that? Or will you fucking fight back? तो अभी मेरा वर्कआउट खत्म हो चुका है और अभी मैं थोड़ा सा उबले हुए आलू और एक अंडा खाऊंगा जो कि उबला हुआ है। थक गया हूँ वर्कआउट करके मैं। ये जो ठंड है ना भाई, कुछ दिनों से इतना ज़ोर से लग रहा है कि बारिश हो रहा था उसके बाद जो ठंड आई है ना, धूप का नाम और निशान ही नहीं है। और उससे ये खाना पकड़े पकड़े हो जाए तो अच्छा, ये खाना खाता हूँ। अब मैं तो सो रहा हूँ, अभी भी मुझे नींद आ रहा है। खा के फिर सो जाऊँगा, फिर दीदी के साथ बाजार जाना है, थोड़ा सा उसका काम है तो वहाँ पर जाएंगे। पूरा चिपकू गया है मैं, क्योंकि चिपक गया हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा सा वर्कआउट ठीक से हो नहीं पा रहा। चलो मैं अभी अपना वर्कआउट के बाद का मील एंजॉय करता हूँ, जैसा भी है हेल्दी है, फिर अपना काम करेंगे। अभी खाना मेरा कंप्लीट हो चुका है और ये बियर्स, इनको भी थोड़ा सा साइज करना है मेरे को आज। और पहले खा लिया, फिर वर्कआउट कर लिया और फिर खा लिया, अभी मैं सो जाऊंगा। कितनी अच्छी लाइफ है ना। आप लोग सोचते हो कुछ करता भी है या फिर सिर्फ खाता है और सोता है? नहीं, करता हूँ, काम करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, घर का काम करता हूँ, दीदी का चैनल का उसका काम भी करता हूँ, जितना हो सकता है मेरे से मैं करता हूँ। और जब कुछ अच्छा सा जॉब लग जाए या फिर यूट्यूब में कुछ लग जाए तो मैं सेट हो जाऊँगा अच्छे से। अभी तो मेरा 23-24 साल ही है, तो मुझे थोड़ा सा लाइफ को एंजॉय करना है और उसके साथ काम भी करना है, थोड़ा यर्निंग्स भी करनी है, लेकिन पैसा पैसा होके मरना नहीं है मेरे को। अभी हमारी मेहंदी एक्सपर्ट वीडियो बनाने में लग चुकी है और पूरा व्यस्त है, तो अभी हम एक नए डिज़ाइन का थंबनेल बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। बेटा हाँ, चैनल खोल दिया है, बाबरे कटिन कहीं कटिन नहीं तू तो बहु ये पता ही ए ए पद्मास, मेरी माँ पूजा कर रही है अभी। और ये ओए कितनी चीज़ कहीं ओए कोथा है हाँ हाँ तो अभी मैं थोड़ा सा एनएस के पास में हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरा थोड़ा सा काम था और मैं यहाँ पर आया हूँ। अभी थोड़ा सा धूप आ चुका है मुझसे और एनएस में ही हूँ। और ये कितना बड़ा एरिया है, देखो यहाँ पर कितना बड़ा एरिया है। और यहाँ पर चावल उगाए जाते हैं और उस साइड भी, ऐसे दिखाऊंगा तो दिखेगा नहीं, लेकिन बहुत ही बड़ा एरिया है यहाँ पर, बहुत लेकर और भी आगे तक बहुत ही बड़ा एरिया है। तो अभी मैं थोड़ा सा बैठ जाता हूँ वहीं कहीं पर, कि मुझे आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी है मुझे आप सबसे, तो मैं इधर बैठ जाता हूँ पहले। ओह माय गॉड, हैंडसम लग रहा हूँ ना, तुम्हारा भाई पहले से ही हैंडसम है, पैदा ही मैं हैंडसम हुआ था। तो मेरे को आपको ये बोलना है कि मेरे घर पर जितने भी सारे हैं सब ने लव मैरिज किए हैं, तो मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी समस्या ये है कि मेरा क्या होगा। दोनों भाई हैं मेरे बड़े बड़े,
उन्होंने लव मैरिज किया है। दी भी मेरी जिनसे प्यार करती है उन्हीं से ही शादी होगी और लास्ट में बच्चा मैं। ना मेरी कोई गर्लफ्रेंड है ना कोई दोस्त है जो लड़की है, लव मैरिज का कोई आशा नहीं दिखता मुझे, लेकिन फिर भी देखें क्या होता है। मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन लग रहा है क्या होगा फ्यूचर मेरा। अभी तो मुझे फ्यूचर बनाना है, लेकिन कभी ना कभी तो शादी होगी ना मेरी, तो क्या मेरा क्या होगा यार। अरे मेरा क्या होगा, अरे खालिया नहीं, खालिया नहीं, मेरा क्या होगा मैं यही सोचता हूँ कभी कभी। अभी तो बड़ा बिंदास सा लाइफ हूँ। अगर अरेंज मैरिज करता हूँ अगर अच्छी नहीं निकली ना तो बर्बाद हो जाऊँगा, और लव मैरिज करता हूँ तो अगर वो घर वालों को सूट नहीं की तो, और मेरे को भी सूट नहीं की, वैसे तो शादी हो जाएगी, लेकिन अगर सूट नहीं की तो फिर भी मैं बर्बाद हो जाऊँगा। क्योंकि पार्टनर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका पार्टनर जैसा होगा आप वैसे ही रहोगे। आपका पार्टनर आपको अच्छी चीज़ें जो बोलेगा ना वो आप घर वालों को दिखाओगे, खुद पर भी होता है, लेकिन पार्टनर जैसा रहता है फ्यूचर वैसा बनता है। तो देखते हैं क्या होता है। मेरे को तो भाई बहुत ही ज़्यादा टेंशन लग रहा है। लेट्स फाइंड ए गर्लफ्रेंड फर्स्ट। अभी इसी उम्र में गर्लफ्रेंड बनाना है मेरे को, लेकिन कैरियर भी तो है। कैरियर बनाऊँ या गर्लफ्रेंड या लव, शादी ही नहीं करनी मेरे को। शादी करूँगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स, तो देखते हैं क्या होते हैं। इसलिए मैं धूप में बैठा हूँ कि धूप से आएगा विटामिन डी और ज्ञान लगेगा मेरे को, और मैं कुछ अच्छा चीज़ आपको बोल सकूँ कि शादी कैसा होगा। अरे मेरा शादी ही नहीं होगा, थोबड़े से प्यार होगा किसी को पता नहीं। बहुत ही टेंशन वाला चीज़ है ये, क्या करूँ। डेकोरेशन किट बॉक्स आ चुका है, देखो यहाँ पर सारे कैसे कैसे चीज है। आ जाओगे ऑपरेशन। इसका हो चुका है और ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा भाई साहब। आज हमारे घर पे चिकन बनने वाला है और माँ चिकन को अच्छे से धो रही है। ये रहा राहुल भैया का स्कूटी, ये रहा दीदी का स्कूटी, वो रही कितलू। हमेशा उसे भूख ही लगी रहती है और वो खाने को हमेशा ढूंढती रहती है। यहाँ पर ऊपर कौन सा गोदाम बनने वाला है मैं भी, क्योंकि जब से मैं आया हूँ यहाँ पर रहने से पहले से ही यहाँ पर काम चालू था और हमेशा काम ही चालू रहता है। राजमहल बनाएंगे शायद, मुझे तो पता है इतना बड़ा घर क्यों। मेरे घर पे तो तीन लोग हैं, एक छोटा सा अच्छा सा क्यूटा सा घर बनाऊंगा भाई। देखते हैं फिर आगे क्या होता है। और फाइनली मुझे आप सबको ये बोलना था कि मेरे वीडियोज को जो भी देख रहे हैं एक अच्छा सा कमेंट मेरे लिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो दे दीजिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और अगर आप जितना भी शेयर करो, क्योंकि मैं स्मॉल टाउन बच्चा हूँ, तो अगर आप थोड़ा सा मेरा हेल्प करो तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्योंकि बहुत लोग कुछ भी डाल रहे हैं यूट्यूब पर और यूट्यूब उनको प्रमोट कर रहा है, तो मुझे आप सबकी मदद चाहिए कि आप थोड़ा सा मुझे हेल्प कर दो। और मैं ऐसे ही फैमिली वाले अच्छे अच्छे ब्लॉग्स, ट्रांसफॉर्मेशन ब्लॉग्स, फिटनेस ब्लॉग्स, ट्रैवलिंग ब्लॉग्स, फूड ब्लॉग्स, सारे के सारे मसालेदार ब्लॉग आपको दिखाऊंगा। क्योंकि मैं स्मॉल टाउन में रहता हूं इसलिए दिखाने के लिए कुछ ज़्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी मैं अपना लाइफस्टाइल दिखाता हूं, सिंपल सा है। जो क्या कर रही हो, वो अभी नाराज है मुझसे क्योंकि वो कैमरे में नहीं आना चाहती। मैं जबरदस्ती ले आता हूँ, थोड़ा हंस दे, हंस दे थोड़ा सा, तो क्यूटा सा है इतना, हंस देना थोड़ा सा। मैं आलसी हूँ और मेरी दीदी मेरी से भी बड़ी आलसी है, हम दोनों आलसी भाई बहन। बोलना सब्सक्राइब के लिए, बोलना बोलना सब्सक्राइब के लिए, बोल प्लीज प्लीज, थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज प्लीज। माँ बोलेगी मेरी, माँ बोल दो ना एक बार, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज प्लीज लाइक।
लाइक शेयर शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सब्सक्राइब। अभी माँ ने बोला है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे ही अच्छे से ब्लॉग्स देखने के लिए मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए। हैविंग ए गुड डे एंड बाय बाय। Till I get